हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सेकंड एप्लीकेशन एंड दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड यूजेस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑप्टिकल फाइबर है क्या? ऑप्टिकल फाइबर एक बाल के साइज के बराबर एक रेशा होता है जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। यानी ये एक थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट होता है जो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट पास कर सकती है। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ये एक इंटरनल लेयर है, ये लेयर्स ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, और एक एक्सटर्नल लेयर है। ये दो लेयर्स हैं। इन दोनों लेयर्स के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोर, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हाई होता है। जो आउटर सरफेस होती है, इसके ऊपर जो कवर होता है, उसको क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली लो होता है। अगर हम बात करें डेंसर या रेयर मीडियम की, तो ये जो इंटरनल लेयर होती है ये डेंसर होती है, और जो एक्सटर्नल लेयर है, ये जो आउटर लेयर आ रही है, इसको आप रेयर लेयर कह सकते हैं। यानी कि इसका जो लाइट जब इसमें से पास करेगी, या इसमें से अगर हम कंपैरिजन करें, तो इसमें से लाइट की स्पीड ज्यादा लो होगी और इसमें से लाइट की स्पीड हाई होगी। जैसे अगर हम वाटर और एयर की बात करते थे, तो वाटर एक डेंसर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लो होती है, और एयर एक रेयर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले, हम इस छोटे से कंसेप्ट को एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं, जब लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो स्लाइटली बेंड हो जाती है, एंड बेंड किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी यूं जा रही थी, ये नॉर्मल लाइन है, इससे इस तरफ को मूव होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब आपने एक और एंगल पर सेंड किया है इसको, डिफरेंट एंगल आप ट्राई कर रहे हैं लाइट के। एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा कि जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस पर 90 हो जाएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो ये सी क्रिटिकल एंगल है। लेकिन जब आप इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर लाइट को सेंड करते हैं, जैसे यहां पे मैंने सेंड किया, तो ये टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन ऐसा करने के लिए कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो फिर लाइट टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसा ही फिनोमेना यहां पर भी होता है। आप समझ लें कि ये जो इंटरनल पार्ट है, इसका कोर, ये डेंसर मीडियम है, और जो एक्सटर्नल पार्ट है क्लैडिंग, ये एक रेयर मीडियम है। जब हम लाइट इसमें सेंड करते हैं तो सबसे पहले लाइट एयर में है, ये कोर में एंटर हुई। जैसे ही लाइट कोर में एंटर हुई है, यहां चेंज इन मीडियम हुआ, पहले एयर में थी अब ग्लास में आई, तो इसलिए स्लाइटली पहले यहां पर बेंड होगी लाइट। ये आपको बेंड नजर आ रहा होगा ऐसे। ये बेंड क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, लाइट एयर से कोर में गई, कोर एक ग्लास है। तो अब यहां पर अगर लाइट पास करती है तो ये कोर है और ये क्लैडिंग है। अब कोर और क्लैडिंग, ये दो डिफरेंट मटेरियल हैं, इनके अंदर अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की या डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। अब क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, इनमें स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, इसलिए यहां रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस हो सकता है। तो जैसे ही ये लाइट कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है तो ये यहां से इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने लाइट को इस एंगल पर भेजा है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा
तो लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे यहां भी हुआ था। ये क्रिटिकल एंगल था, जब क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर लाइट को सेंड किया था तो वह रिफ्रैक्ट नहीं हुई बल्कि रिफ्लेक्ट हो गई। तो वही फिनोमेना यहां पर भी होगा, इसको हमने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर सेंड किया तो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट हो गई। अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आई, यहां पे फिर ये कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे आती है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो फिर से यहां से रिफ्लेक्ट कर देगी स्ट्रक्चर में, दोबारा यहां पर स्ट्राइक करेगी कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर तो फिर ये यहां से इनसाइड रिफ्लेक्ट कर देगी। इस तरह लाइट डिफरेंट वे में इस तरह रिफ्लेक्ट करती हुई एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस तरीके से लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, हम ऑप्टिकल फाइबर को क्यों यूज करें, इसके क्या फायदे हैं। आप ऑप्टिकल फाइबर की जगह अगर कॉपर वायर यूज करते हैं तो कॉपर वायर लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल जब सेंड करती है तो सिग्नल वीक हो जाता है, वीक सिग्नल को फिर सुनना जैसे टेलीफोन कॉल है, आप यहां से कॉल कर रहे हैं दूसरे बंदे की आवाज आपको क्लियर नहीं सुनाई देती। वजह क्या है कि जब सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करते हुए सिग्नल वीक हो जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल वीक नहीं होता, लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से ट्रैवल कर सकता है। दूसरे नंबर पर जब हमने ज्यादा मिकदार के अंदर डाटा को भेजना होता है या डाटा को रिसीव करना होता है तो फिर हमें कॉपर वायर जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, हमें यूज करनी पड़ती है ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी बहुत हाई है डाटा को सेंड करने की और रिसीव करने की। नंबर थ्री पे अगर हम स्पीड की बात करें, कंपैरिजन किया जाए स्पीड के साथ, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डाटा सेंड करने की जो स्पीड होती है वो कॉपर केबल से कहीं ज्यादा है। ये एडवांटेजेस थे जिसकी बेस के ऊपर हम कॉपर केबल की बजाय इसको प्रेफर किया करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक अच्छा चैनल है जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड कर सकते हैं, डाटा को रिसीव कर सकते हैं और हाई स्पीड पे ये सब काम हम कर सकते हैं। अब यूजेस की बात करें तो सबसे मेन जो इसका यूज है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन लाइंस आपने देखा होगा सिग्नल ड्रॉप करती हैं, सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसके बजाय हम जब ऑप्टिकल फाइबर का एक जाल बिछाएंगे एक चैनल से दूसरे पॉइंट तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑप्टिकल फाइबर का जाल लेकर जाएंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस पर सिग्नल भेजने के लिए सिग्नल वीक नहीं होगा, उसका हमें एक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जब हमने डाटा को सेंड करना है इंटरनेट के थ्रू, आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं या सेंड करनी पड़ती हैं, अपलोड करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए फिर आपको फास्ट नेट चाहिए और वो जो कॉपर केबल है उसको रिमूव करके हम ऑप्टिकल केबल का या ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा के नेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने का जो रेट है उसको बढ़ा सकते हैं, जल्दी डाउनलोड होंगी फाइल, जल्दी अपलोड होंगी। आजकल जो आप यूज कर रहे हैं 3G 4G, ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्टिकल फाइबर की वजह से है, क्योंकि नेट की स्पीड बढ़ चुकी है, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड बढ़ चुकी है, आप आसानी से चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं, चीजों को अपलोड कर लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर की वजह से है। तो हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लाइट पाइप। लाइट पाइप क्या होता है? लाइट पाइप बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल होता है जिसके ऊपर इस तरह से कवर बना दिया जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक कवर सा है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन के अंदर बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर आपको नजर आ रही होगी, इस तरह बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसको हम कहते हैं लाइट पाइप। लाइट पाइप को हम यूज करते हैं उन प्लेसेस को इलस्ट्रेट करने के लिए, वहां रोशनी पहुंचाने के लिए जहां डायरेक्टली रोशनी पहुंचाना आसान नहीं होता। डॉक्टर इसको यूज करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, बॉडी के अंदर डिफरेंट इमेजेस देखने के लिए, बॉडी के इनसाइड का मुआयना करने के लिए, चेकअप करने के लिए। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं इमेज को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहां से इमेज को ट्रांसमिट किया जाता है और यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करते हुए यहां से मूव करता हुआ सेंड पर आता है, यहां पर एक लेंस लगा होता है क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो उसको फिर ये सीधा आपके सामने इस तरह से इमेज बना देता है। तो इस तरह इसके थ्रू हम एक एंड से दूसरे एंड तक इमेज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि है एंडोस्कोपी। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एंडोस्कोप क्या है।
एंडोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए। मेडिकल फील्ड के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स यूज करते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर लेने के लिए। ये बहुत ही स्मॉल साइज के दो ऑप्टिकल फाइबर के बैंड होते हैं। इसको बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। इसके स्मॉल साइज होने की वजह से इसको माउथ से या नोज से भी एंटर किया जा सकता है। अब इसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। कुछ जो है इसके यूज स्टमक से रिलेटेड है, यानी स्टमक को इंटरनली ऑब्जर्व करना है कि इसकी इंटरनल सिचुएशन कैसी है। कुछ हम गले को इनसाइड देखते हैं सिचुएशन, गले के अंदर की सिचुएशन कैसी है। और जो तीसरी इसकी टाइप है उसमें हम देखते हैं यूरिनरी ब्लेडर, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता रहता है, उसको देखते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को या उसकी इंटरनल जो भी सिचुएशन है उसको एग्जामिन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी यूज के हवाले से इसकी थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास गैस्ट्रोस्कोप है, दूसरी सिस्टोस्कोप और तीसरी है ब्रोंकोस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रोस्कोप की। गैस्ट्रोस्कोप वो टाइप है हमारे पास एंडोस्कोप की जिसको हम स्टमक की ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक की टर्म मोस्टली स्टमक के लिए यूज की जाती है, जैसे जो स्टमक एक जूस बनाता है इसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो उसी से आपको याद रहेगा कि ये जो गैस्ट्रोस्कोप है ये बेसिकली स्टमक से रिलेटेड है। इसमें स्टमक को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी इंटरनल क्या सिचुएशन है। नंबर टू पे हमारे पास है सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप बेसिकली जो सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्कोपी है, इसको हम यूज करते हैं यूरिनरी ब्लेडर की इंटरनल सिचुएशन को देखने के लिए। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या कोई डैमेज तो नहीं हुआ, उसका हिसाब कोई भी या किसी किस्म की कोई एग्जामिनेशन करनी है, तो उसके लिए हम ये सिस्टोस्कोप को यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट पे जो हमारे पास आती है वो ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप क्या होता है, मैं आपको पहले इसको एक डायग्राम से बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपने देखा होगा कि लंग्स जो है वो उसका जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस पार्ट को हम ट्रैकिया कहते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। इस ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको ब्रोंकाई कहते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट्स को यहां से लेके यहां तक, गले से लेके यहां तक जितना भी ये पार्ट है, इसको एग्जामिन करने के लिए जो हम एंडोस्कोप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोप। क्योंकि ये ब्रोंकाई, आप इसके नाम से जाहिर है ये ब्रोंकाई है। यहां पर इन पार्ट्स को, ये दो पार्ट्स में ये डिवाइड हुई है, ये जो एयर पाइप है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, तो इसको क्योंकि ब्रोंकाई कहते हैं तो इस पार्ट को एग्जामिन करने के लिए जो हम एंडोस्कोप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोप। इस तरह हमारे पास ये तीन जो टाइप्स आ जाती हैं इसकी एंडोस्कोपी की, एंडोस्कोप मशीन की। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है मशीन। इसमें दो पाइप होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। एक ऐसा होता है जो कि लाइट को लेकर जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस करते हुए उस ऑर्गन तक। हम इसको माउथ से इंटर करते हैं क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, माउथ से इसको इंटर करते हैं। जिस ऑर्गन को स्पेशली अगर हम बात करें इसकी स्टमक की, तो ये पाइप स्टमक में जाता है, वहां पर जाके लाइट को हम सेंड करते हैं। वहां लाइट जाती है, उस ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होके दूसरे पाइप के थ्रू वापस आती है और डॉक्टर उसको देखता है और उसके इमेजेस ले लेता है और उसको एग्जामिन करता है कि स्टमक के अंदर क्या सिचुएशन है या क्या हालात है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा एक और जो इसकी एडवांस टाइप है उसमें ये होता है कि ऑप्टिकल फाइबर के एंड के ऊपर एक स्मॉल साइज का कैमरा लगा होता है जो कि इनसाइड जाने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख के डॉक्टर उस डिफरेंट ऑर्गन की वीडियो को देखने के बाद बता सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, या किडनीज का कोई इशू है, लंग्स का कोई इशू है, या क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, वो सब बता सकते हैं इंटरनल ऑर्गन को देखने के बाद।